के तो उनके 5 साल पूरे करेगा और अगले 5 साल का उम्मीदवार है वो, और कोई फर्क नहीं पड़ता ये अंडर 19 की टीम अमेरिका जाए या 2 दफा जाए या 3 दफा जाए। और अफगानिस्तान में हमारी अमन की ख्वाहिश है जी, और अब तालिबान भी काफ़ी मैच्योर हैं और जहाँ वहाँ जमीयत की इस वक्त अशरफ गनी साहब और अब्दुल्ला अब्दुल्ला और करजई और ये सारे लोग जो वहाँ हुकूमत में हैं उन सब से जो अफगानिस्तान में अफगानिस्तान के लोग फैसला करेंगे वो हमें काबिल कबूल है। ना हम अपनी सरजमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे, ना हम ये तवक्के रखते हैं कि हमारे खिलाफ किसी की सरजमीन इस्तेमाल हो। और हमारी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, फॉरेन मिनिस्ट्री कर रही है, इमरान खान खुद कर रहे हैं, कमर जवेद बाजवा साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अमन हो और दोनों पार्टियां टेबल पर बैठें। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ऐसे हालात नहीं होंगे जैसे पहले हुए थे। जो लोग तोरखम पे फंसे हुए हैं उनके लिए मैं ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ कि नई वबा की एहतियात करते हुए जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई हुई है वो आ सकते हैं, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई और उनका पॉजिटिव आ जाता है अगर टेस्ट, तो हम उन इलाके के एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे हैं कि इनको आके ले जाएं। सो फिर मैं वाजे करता हूं कि तोरखम में जो लोग रुके हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन लगाई है उनके लिए बॉर्डर खुला है, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगाई और टेस्ट में उनका पॉजिटिव आ रहा है उनके इलाके के लोगों को बुला रहे हैं कि इन लोगों को क्वारंटीन करने के लिए अपने इलाकों में ले जाए। कोई पी डी एम डेड हॉर्स है, पी डी एम ख़त्म हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद अपोजिशन और हुकूमत के तल्लुकात और बेहतर होंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के दरबार से पूरी उम्मीद है कि इमरान खान गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, बल्ला वहाँ जीतेगा और मैं ख़ुद इमरान खान के साथ 3 दिन के लिए कम्पेन पर जा रहा हूँ और गालिब इम्कान ये है कि 17, 18, 19 जो है पता नहीं सिक्योरिटी के लिए, मैं सिक्योरिटी को ही डील करता हूँ और मैं ऐसी बयान दे रहा हूँ, इमरान खान इस इलेक्शन कम्पेन में जाएंगे और 5-6 जलसों से वो खिताब करेंगे। इसे बात वज़ीर दाखला भी है और दारुल इस्लामाबाद और पूरे मुल्क के मामला देख रहे हैं, लेकिन रावलपिंडी भी आपका शहर और ये आपकी पंचायत खिलाफ है, राजीव छुट्टी जो है वो तरजियाती मुद्दे को लेके आ रहे हैं, करवा रहे हैं। नाला लेक मनसूबे के हवाले से बातचीत की जा रही है कि कब तक मुकम्मल होगा, कब तक शुरू होने का? 3 साल में ये मुकम्मल होगा, इसकी टेंडरिंग जो है इसकी जो फोकल पर्सन हो चुके हैं, पिंडी बदलने जा रहा है, गरीब बस्तियां अमीर होने जा रही हैं। थोड़े से लोगों को जो मेरी पूरी कोशिश है कम से कम लोगों को का इलाका इसमें आए और नाला लई जो है हम इससे एक नया रावलपिंडी बनने जा रहा है और इमरान खान का जो वीएन है नया पाकिस्तान उसमें रावलपिंडी नया रावलपिंडी होगा। 2 रवैया इसके जो है सर्विस रोड होंगी, मेन रोडें होंगी और इसको 5 जगह से हम अटैच कर रहे हैं शहर की मुख्तलिफ जगह। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन अगर 2019 को जो मोदी ने किया उसके बाद कश्मीरियों के हिंदुस्तान से कोई बातचीत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक वो 5 अगस्त के काले कानून को वापस ना ले, और अगर वो ये वापस ले लेता है तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के साथ अमन के रास्ते में हमें कोई दुश्वारी नहीं है, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। और मैं कश्मीर लाल हवेली का रिश्ता जो है लाल चौक से कितना गहरा है ये मकबूज़ा कश्मीर में कश्मीरियों को पता है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हिंदुस्तान को अगर अकल आए वो अपने काले कानून को वापस ले तो हम ये फिर बात आगे बढ़ सकती है, उससे पहले नहीं बढ़ सकती। आज़ाद कश्मीर की क़यादत का हमेशा ये कहना रहा है कि पाकिस्तान को भरपूर आलमी फोरम पर मुलायम जी का रास्ता नहीं बन रहा, तो अगर पीटीआई हुकूमत बनाती है आज़ाद कश्मीर तो क्या इस सिलसिले को भी देखा जाएगा? आज़ाद कश्मीर के लोग मैं इस सिलसिले में क्या अर्ज कर सकता हूँ,
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान ने कश्मीर का केस इकवाम मुत्तहिदा में उठाया, दुनिया के हर फोरम में उठाया। इमरान खान वाहिद लीडर है जिसकी आवाज़ सारी दुनिया में सुनी जाती है, और एक तारीखी किरदार अदा करेगा इमरान खान कश्मीर का मसला हल करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।